महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। You have corrected, quote unquote, a so-called injustice of history. You are wrong, and history will prove you to be wrong. ये कश्मीर को आज इन्होंने बिल्कुल हिंदुस्तान से अलग करने की व्यवस्था कर दी। आज इन्होंने तय कर लिया ना, इन्होंने कश्मीर को हमारा पैलेस्टीन बना दिया। I stand to oppose the bill, sir, and I feel that this is the third historic mistake. Which our country is committing. मेरा एजेंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये एजेंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। आज एक झटके में तीन चार चीजों को खत्म कर दिया जो हिंदुस्तान की तारीख में काले शब्दों से लिखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंक के बुलेट को जनता बैलेट से जवाब दे चुकी है। कुल 8 चरणों में जो चुनाव हुए हैं, उसके रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस चुनाव के दौरान रोशनी घोटाले से लेकर गुपकार मीटिंग तक की बातें हुई। घाटी के नेताओं ने पाकिस्तान से लेकर चीन तक की पैरवी की। अब आने वाले नतीजे ये बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना चाहती है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए पहले चुनाव में बीजेपी को मिले भारी समर्थन से पार्टी का जोश हाई है। पार्टी ने जीत को आर्टिकल 370 पर जनता की मोहर बताया है। कल देश की संसद ने देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है। ये देश के लोगों को, देश के किसानों को, मैं आज जब बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं उस समय पूरे हिंदुस्तान के किसानों को भी और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जो आशावान लोग हैं उन सब के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। ये तीनों कानून जो आज बने हैं इनको वापस लेना चाहिए। इसके पीछे किसानों के लिए नुकसान, हमारे कृषि के लिए नुकसान, अपने देश के अन्न सुरक्षा के लिए नुकसान, और इसके चलते हुए बहुत सारा ये होता है कि दाम भी बढ़ेंगे क्योंकि आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस होंगे, होर्डिंग होगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने इस कृषि बिल को काला कानून कहा है। किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाया जा रहा है। किसानों को सभी मांगे किसानों की तुरंत मानी जाएं और MSP की गारंटी को कानून में डाला जाए। फार्मर्स के लिए एक सबसे ज्यादा एक खतरा का चीज है कि फार्मर्स को भी जितना भी हॉक है उसको छीन लिया है। अभी फार्मर्स कहां जाएंगे? ये जो बिल है वो एंटी फार्मर है और कहीं न कहीं किसानों के साथ बड़ी साजिश है। मोदी मतलब महाविजय। मोदी मतलब उम्मीद। मोदी मतलब भरोसा। मोदी मतलब महोत्सव।
बिहार चुनाव में सभी अनुमान उलट गए। मोदी लहर में सत्ता विरोधी लहर धुल गई। एक बार फिर एनडीए सत्ता तक पहुंची तो उसके पीछे सिर्फ एक ही मंत्र रहा, मोदी मंत्र। प्रधानमंत्री का चेहरा जीत का दूसरा नाम बन गया है और बिहार के नतीजे बता रहे हैं कि ब्रांड मोदी से पार पाना आसान नहीं है। जैसे जैसे देश की राजनीति में समय का पहिया घूम रहा है, मोदी की छवि और विराट होती जा रही है। बिहार का चुनाव जब शुरू हुआ तब राजनीतिक हलकों में चर्चा आम थी कि इस बार सत्ता विरोधी लहर में नीतीश कुमार की कुर्सी बहनी तय है, लेकिन 10 नवंबर की रात ढलते ढलते ये तय हो गया कि नीतीश कुमार की मझधार में फंसी नैया के खेवैया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही हैं।